सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो एक्चुअली आज हम लोग जाने वाले उज्जैन और वहाँ का एक्सपीरियंस गेन करेंगे कैसा भी रहने वाला है। सो फाइनली अभी मतलब 6 बजे निकलेंगे यहाँ से और जाएंगे वहाँ पर, देखते हैं वहाँ कैसा व्यू रहता है। और वहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैंने कभी गया नहीं पहले, लेकिन देखते वहाँ का क्या व्यू रहता है, क्या रहता है। और कुछ दोस्त लोग हैं जो कि साथ में चल रहे हैं, 4-5 6 बंदे लोग हैं, 6 बंदे हैं और निकलते हैं बैक पैक करके। सो तब तक मिलते हैं। बेसिकली गाइस, अभी हम लोग उज्जैन हैं, उज्जैन जंक्शन पे हैं और अभी तुरंत कुछ ही देर बाद इनों का मेकअप सेकअप सब क्लियर हो जाए तो हम लोग निकलते हैं महाकाल जी का। और ये देखो लड़का, मैं तो लड़की भी देख रहा हूँ। शर्मा के भक्त क्या बस जरा कुछ करते नहीं है लड़का। सो गाइज, रिसेंटली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप यहाँ का व्यू। और बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं आज, मतलब भीड़ थोड़ा कम है और हम लोग को दर्शन करने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आज, हो जाएगी। और ये साथ में राह चल रही, कुछ बोलो कैसा हो रहा है आपको? बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मस्त व्यू है, बहुत ही अलग है। रात सलोनी से सब है तेरे ही। सो गाइज, हम लोग पिछले द्वार से एंटर कर रहे हैं और काफी बहुत ही बढ़िया व्यू है, आप देख सकते हो यहाँ से, बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू है। जाने रे जाने मर जाने और भाई व्यू मतलब अलग ही वाइब है यहाँ का। यू कैन सी टोटली डेकोरेटेड ऑन बेस ऑफ लॉर्ड शिवा। सो रिसेंटली अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं लॉर्ड शिवा का, जो कि महाकाल मंदिर बहुत ही फेमस है यहाँ का उज्जैन का। सो अभी हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं और अभी देख सकते हो पीछे हमारे दोस्त लोग सब यहाँ पर जा रहे हैं और मैं मिलाता हूँ अभी और मंदिर के दर्शन करके उसके बाद आते हैं हम लोग। नहीं आ रहा जो मिले हैं सरकार से ऐसा मुस्कुराया। तो ऋषियों का वो स्टेचू बना पड़ा है और आप देख सकते हो व्यू वहाँ का। सो गाइस, यहाँ पर फोटो शूट हो रही है हम लोगों की, देख सकते हैं सब लोग यहीं पे। हमारे साथ ये भाई जो नेपाल से हैं, तो मतलब वो कैसे यहाँ वाइब लग रहा है, मतलब आने के बाद कुछ यहाँ पर अच्छा लग रहा है आने के बाद? भाई सबको यहाँ पर आने के बाद अच्छा ही लग रहा है। और ये तो फर्स्ट टाइम आए हुए यहाँ पर, जम्मू कश्मीर से आए हैं भाई, बहुत दूर से ट्रैवल कर करके आए हैं यहाँ पर, तो आपको तो मतलब जनरली अच्छा लग रहा होगा। और मैं चलिए काफी आगे देखते हैं, टूरिस्ट लोग से मिलते हैं। और देखिए भाई पता नहीं किधर से आया है, वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? एक्चुअली आई एम ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार, बट एक्चुअली राइट नाउ आई लिव इन MP। एक्चुअली दिस गाय इज फ्रॉम बिहार बट रिसेंटली ही इज लिव्ड इन MP। ओके, सो आप तो मतलब जनरली इधर बहुत बार आ चुके होंगे? नहीं, मैं ये मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा, तो चलिए मतलब लेकिन मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस और सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो सेम जैसा ही है। या मतलब यहाँ पे आने के बाद भाई भी भाई कुछ अलग हो जाती है, ठीक? अगर आप एक बार आते हो तो आपको मतलब हमेशा मन करेगा यहाँ।
यहाँ पे आने के बाद आपको मतलब ऐसा फील होता है कि वो महाकाल जो है आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते, एक अलग एनर्जी फील होता है यहाँ पे। अभी हम लोग प्रसाद वसाद नहीं ले पाए हैं तो भाई साहब नहीं भाई कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है गाइस। और नहीं बेसिकली हम लोग को पता नहीं था कि मतलब प्रसाद कहाँ से लेना है फर्स्ट टाइम है, तो वो जितना पता होना चाहिए उतना पता है नहीं हम लोगों को, तो वैसे ही प्रसाद ही कोई नहीं ले। और यहाँ पर बहुत तेज धूप है, इसकी वजह से देखिए आंचल भाई ने क्या कर रखा, पूरे पूरी जैसा वो हरकतें करने लगे यहाँ पर। अरे सॉरी, तो गाइस मोबाइल का सीन है, पता नहीं बहुत धूप हो रही है, मोबाइल जमा हो रहा है अंदर, तो क्योंकि अंदर का व्यू नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोई नहीं बाहर का व्यू बहुत तगड़ा है। कोई नहीं भाई, यहाँ पर 1.5 साल पहले आए हुए हैं, तो मतलब ये भी कुछ भूल गए हैं, मतलब यही हम लोग घुमा रहे हैं समथिंग, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो इसके वजह से कुछ समथिंग भूल गए यहाँ पर, तो तो इनके साथ ही हम लोग घूम रहे हैं, यही है मतलब। और ये लड़की जैसे हम लोग भाई देखो कैसे शर्मा रहा है पीछे से, मतलब बिल्कुल शर्मिला बंदा है। तो गाइस फाइनली हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं, और ठीक ही था व्यू यहाँ का, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह में प्रॉब्लम थी, यहाँ पर थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फोन वन लेकर के घुस भी ले ले रहा है यहाँ पर। तब आपको आंचल जी कैसा लगा दर्शन करके, जम्मू वाले बंदे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ। और यहाँ पर एक चीज वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र जो है वो कंटिन्यू बजते रह रहा है, वही उधर कहाँ जा रहे हो इधर। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं नाश्ता वास्ता कर, सॉरी खाना वाना खाते हम जा रहे हैं लंच करने, लंच करने मतलब मिलते हैं आपसे लंच करके, लंच करने के बाद नहीं लंच वो देखते हैं क्या क्या खाना वो होता है, वो सब दिखाते हैं है आपको भी। एक्चुअली हम लोग काल भैरव मंदिर में हैं, दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ भीड़ कम ही है वहाँ से। देखो ना देखो से, कैसे से, तेरी और वो आप देख सकते हो सामने में जो ब्लैक कलर का है उस पे और दिस इज आउटर व्यू ऑफ काल भैरव टेम्पल, मतलब दर्शन वर्शन कर चुके हैं काल भैरव का। और यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए सब लोग धागे वागे बांधते हैं, हम लोग ने भी वहाँ धागे वागे बांधे सबसे आगे ताकि सबसे जल्दी मन्नत पूरा हो हम लोगों की। एंड दिस क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव टाइप के टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और ये सब यहाँ पर और रिचुअल है, मतलब यहाँ पर बांधना जाता है बहुत जगह से यहाँ पे आता घूमने के लिए। हाँ, अभी तुरंत उधर जापान साइड के दो बंदे मिले थे ना, जापान साइड के थे और दो वहाँ न्यूजीलैंड साइड के थे। अभी हम लोग जस्ट दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, और अभी आप देख सकते हो सब जितने फ्रेंड लोग हैं सब आगे चले गए हैं, और मैं पीछे से ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं जस्ट जाने वाला हूँ।